आप लोग आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उससे भी ज़्यादा पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया एक ऐसे, क्योंकि सिर्फ एक ऐसे नहीं है, एक वो एक ऐसे है जिससे आपके बारे में जानने का दूसरों को मौका मिलता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में आया है। तो मैं चाहता हूँ आज हम ये ऐसे लिखें जिससे लोगों को पता चले कि हमारा लाइफ में एम क्या है। और एक बात और बहुत ज़रूरी है, अभी तक आपने मेरे चैनल को शायद सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये ऐसे आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग अच्छी लगे तो तुरंत एक लाइक करें और उसके बाद इसको दूसरों को शेयर करें, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट, ये टॉपिक, ये चीज़ें दूसरे तक पहुँचें जो आपके अपने हैं और जिन्हें आप बहुत चाहते हैं। सो आइए, माई एम इन लाइफ, हमेशा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। आइए इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन हम जो लिखेंगे जैसे ही हम चार लाइन इंट्रोडक्शन की लिखते हैं, ये वही चार लाइनें हैं जो हमारे ऐसे का एक इम्प्रेशन एग्जामिनर के दिमाग में पहुंचाती हैं। वो शुरुआत की चार लाइनें जरूर पढ़ते हैं कि आखिर बच्चा लिख क्या रहा है। तो हम एम कैसे लिखेंगे, कुछ स्पेशल तरीके से लिखेंगे। सम ऑफ अस वांट टू बिकम इंजीनियर, सम वांट टू बिकम डॉक्टर्स और सम टीचर्स। बट हालांकि बड़ा मजे की बात है, टीचर बनना कोई चाहता नहीं है। मैंने अक्सर क्लासेस में बच्चों से पूछा तो हाथ उठाने वाले शायद कभी मिले नहीं, एक आध कभी धोखे से हिम्मत करके कहता है। इंटरेस्टिंग है, मैंने सोचा आपसे बताऊं। बट मैं क्या बनना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल जरूर करें, क्योंकि हम जब लिख रहे हैं तो वो सामने वाला उसे ऑब्जर्व करेगा और तभी तो मार्क्स देगा, जब हम दूसरे से कुछ अलग या बेटर या कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं। तो बट माई एम इन लाइफ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम इस तरह से ऐसे लिखें कि हमारा जो इंट्रोडक्शन हो वो दूसरों से डिफरेंट दिखाई दे, कुछ बेटर दिखाई दे। ठीक है, तो यहां से शुरू किया हमने, इंडियन आर्मी का एग्जांपल दिया। हम चाहें तो यहां पे इसे सोशल सर्विस में चेंज कर सकते हैं, या और हम ज्यादा कुछ स्पेशल करना चाहें तो मेरा एम है टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, एक अच्छा इंसान बनना, एक सेंसिटिव इंसान बनना, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो इंडियन आर्मी से शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा डिवोशन डालेंगे, फिर हम इसमें पैट्रियटिज्म का एक एग्जांपल देंगे कि किस तरह से देश को एक अच्छे आर्मी मैन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने ये इंट्रोडक्शन लिखा, दिस इज द एम ऑफ माई लाइफ। ओके, आगे बढ़ेंगे। द रीज़न ऑफ माई This aim. अब हम जब हमने aim कुछ special लिया है या कोई भी aim लिया वो specially होगा, तो हमें तुरंत ही बताना होगा कि आखिर हमने ये reason कहाँ से लिया, हमने ये aim लिया तो इसके reason क्या है, ये वजह तो पता चले। तो हम इसका reason यहाँ पे लिखेंगे। मैं क्या लिखूंगा या हम क्या लिखेंगे, I have thought a lot, मैंने बहुत सोचा, that the country needs more and more army men,
टू प्रोटेक्ट आवर मदर लैंड। बहुत सोचा मुझे लगा कि शायद हमारी मातृभूमि को सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है, सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्मी मैन। अब उसमें कुछ और भी लिखना होगा कि सिर्फ इसलिए तो नहीं जा रहा हूँ मैं, एज वेल एज आई लव द लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन ऑफ आर्मी मैन। मुझे शायद इसका डिसिप्लिन बहुत पसंद है, उनकी मुझे बहुत उनकी यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, ये कुछ वजह है, इसलिए मैंने एम बनाया है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं देश की सेवा करूँगा सीमा पर जाकर। तो एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, इस तरीके से हम जो भी हम एम सेलेक्ट करें, आप डॉक्टर का अगर एम बना रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा मेंशन करिए, जिससे कि हमें अपना एम दूसरों को बताने में आसानी हो और उसकी वजह भी दें कि आखिर हमने ये एम क्यों सेलेक्ट किया। इसके बाद हम अगला हेडिंग लिखेंगे, आप इसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला हेडिंग डालेंगे माय प्रिपरेशंस। अब हमने जो भी एम लिया है, आखिर हमें ये तो बताना ही होगा कि हम इसके लिए कोई तैयारी भी कर रहे हैं क्या, तो आप प्रिपरेशन की बात करें। आई हैव बीन स्टडिंग hard to get the best position in my class। अब चूंकि हम आर्मी से जुड़े हुए हैं, हम आर्मी में जाना चाहते हैं, तो केवल क्लास में मार्क्स से काम नहीं चलने वाला, थोड़ा फिजिकल भी चाहिए, तो उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। I have also exercising to make me fit and healthy। क्योंकि हमें हेल्दी भी रहना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका भी यही एम है तो हमें सिर्फ हेल्दी और फिट नहीं रहना है, पूरी तरह से तैयार रखना है, हमारी आँखें हमारी आई साइट कभी कमज़ोर ना हो, क्योंकि आर्मी के फील्ड में इसकी बहुत ज़रूरत है। आपके हाथ पैर सलामत रहें, हमेशा सलामत रहें, जॉब करने के बाद भी रिटायरमेंट होकर आए तब भी आप ऐसी सुरक्षित रहें, तो इस सबको बहुत ध्यान रखना है, इसको मेंशन भी करना है। आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई डाइट। खाना क्या खा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तो हम देश के काम आ सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रिपरेशन भी जताई हैं। इस तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा, फिर हम लिखेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बिकॉज हमने आर्मी को सिलेक्ट किया है अपने एम के तौर पे, तो हमें स्पोर्ट्स में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अलग से मेंशन करें कि हम स्पोर्ट्स में क्या क्या कर रहे हैं। तो आई हैव बीन टेकिंग पार्ट इन सो मैनी
स्पोर्ट्स विटीज एक्टिविटीज, आई प्ले क्रिकेट, और भी कोई कर सकते हैं, फॉर माई कॉलेज, आई स्पेंड सो मच टाइम इन वॉकिंग, रेसिंग ETC. Thus, I am fully prepared for this job. इस तरीके से हम एक मैसेज दे रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखे हुए हैं इस जॉब के लिए। तो इस तरीके से आप इसे उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ सेकंड बाद मैं इसे इरेज करूंगा। जैसे ही बोर्ड कंप्लीट हो जाए पूरा लिख के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बाद में आप जरूर नोट करें, जिससे आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े और आप अच्छे से समझ जाएं। अब हम काफी कुछ लिख चुके हैं, ऐसे को और बड़ा कर सकते हैं, और चीजें जोड़ सकते हैं, और फिर इसे ऐसे को हम कंक्लूड करेंगे। बिकॉज मैं चाहता हूं आप बहुत कम समय में इस ऐसे राइटिंग को समझें पूरा ऐसे, क्योंकि 250 वर्ड्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। अगर पूरा लिखाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब हम इसको कंक्लूड करना आपको बताएंगे। आइए, कंक्लूजन। दस आई कैन से दैट आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी I promise you that I will make you all proud about my services फॉर द कंट्री। लास्ट में बड़ा अच्छे तरीके से इमोशनल तरीके पर खत्म करेंगे। इसलिए यहाँ पे मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो इंट्रोडक्शन है जहां पर हम एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ एसे इज गोइंग टू बी रिटन। और फाइनली जब कंक्लूजन हो रहा होता है तो ध्यान रखिए, टीचर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, एग्जामिनर, वो यहीं पर मार्क्स लिखेगा। तो लास्ट में वो यहां पर खत्म करेगा रिमार्क विद योर मार्क्स, टू कंक्लूड इट सो ब्यूटिफुली क्लासिकली। आई होप आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ करिएगा। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, रिलेटिव्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उसे इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और आपको ये भी लगता है कि मेरा ये चैनल और अच्छे से आगे ग्रो करे, लोगों तक पहुँचे, और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ। सो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।